यार जो भी तूने क्या हालत कर दिया घर की, देखो यार कितना लेके चले गए थे तुम गाड़ी, आगे से सारे ठोक के आगे हो। यहाँ साकिब भाई बस एक जरूरी काम किया था तो रास्ते में थोड़ी टक्कर हो गई थी। आप ठीक कर दो ना साकिब भाई प्लीज। हाँ तो कर ही रहो ना यार जिमी, हाँ साकिब भाई कर दो बस जल्दी से कर दो। तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। अभी ये गाड़ी मैंने बेचनी थी माइकल भाई ने बोला था, अब इसके पैसे कौन देगा? यहाँ साकिब आप ठीक कर दोगे ना तो फिर बिक जाएगी गाड़ी, रो क्यों रहे हो? वो रो नहीं रहा सभी। अच्छा ना साकिब भाई मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, बल्कि मशवरा लेना है आपसे। ओ क्या मसला लेना बोलो। अरे आप पहले जल्दी से गाड़ी ठीक कर दो ना फिर बात करते हैं। थोड़ा वेट करो, मैं गाड़ी ठीक कर लूँ पहले, कस्टमर आ जाएगा यार, उनको बोला था गाड़ी मेरान बेचनी है। हाँ आप जल्दी से ठीक कर लो। और ये गाड़ी ठीक हो गई है, चेक करो ज़रा। हाँ साकिब भाई यार वैसे आप काम बहुत ज़बरदस्त करते हो साकिब भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपके हाथ में हुनर है साकिब भाई। ओ जिमी यार बस क्या बताऊँ तुम्हें, मैं बस कभी गुरूर नहीं किया जिमी अपने काम पे, बचपन से टैलेंट है मुझे, बचपन से ही जिमी। अच्छा, बस 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 आपसे एक मशवरा लेना था ओ बोलो ना, बोलो बोलो। साकिब भाई। वो क्या नाम है, जमीला से मुझे बदला लेना है। अच्छा बदला लो ना, कैसे लोगे? यही तो मैंने आपसे पूछने, कैसे लूँ उससे बदला, उसने मुझे धोखा दिया ना, आपको तो मैंने बताया था ना। अभी मुझे नहीं समझ आ रही मैं उससे कैसे बदला लूँ, मेरा दिल कह रहा है जाके गोली मार दो उसको। यार पागल तो नहीं हो गए यार, ये सब तो होता रहता है जिम्मी लाइफ में, छोड़ो उसको, भूल जाओ, दफा करो। ऐसे कैसे भूल जाओ साकिब भाई, अगर ये आपके साथ होता तो आप इतनी आसानी से भूल जाते हैं क्या? बहुत मुश्किल है साकिब भाई, भुलाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं समझोगे। और जिम्मी मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ जिम्मी। अच्छा वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर काम आ जाए तो हाँ ना साकिब भाई बताओ ना मुझे प्लीज। काम करते हैं जिम्मी, तुम उसको बुलाओ आज शाम को डेट पे। हाँ अच्छा फिर उसको आज तुम डेट पे बुलाओ और उसको किडनैप करते हैं। हाँ हैं साकिब भाई, किडनैप कर लें उसको। उसको किडनैप करते हैं, और कहाँ लेके जाना है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, और गाड़ी का बंदोबस्त भी मैं कर लूंगा जिमी, तुम उसको अभी मैसेज करो। हाँ पक्की बात है साकिब भाई? तुम उसको बुलाओ, जहाँ पे मिलना है ना तुम उस जगह पे उसको बुलाओ, फिर वहाँ से उसको कैसे उठाना है वो मेरा काम है, ठीक है? दोनों चले जाएंगे। हाँ हाँ साकिब भाई मैं अभी मैसेज करता हूँ उसको, उसको बोलता हूँ मिलने आए मुझसे। उसको बोलो मिलने आए। हाँ साली अभी भी बोल रही है शेविंग पे आना, किस कदर मतलब ही लड़की है। लड़कियां ऐसी होती हैं। अच्छा तो साकिब भाई मैंने उसको 7 बजे का बोल दिया है। हाँ ठीक है, 7 बजे ठीक है। अभी 2 कस्टमर आ रहे हैं यार, उनको गाड़ियाँ सेल करनी है, अपनी भी और मेरान भी। गाड़ियों की डील हो जाए ना तो मैं अपनी वैन ले आऊँगा, एक वैन है यार किराए पे उठा लूँगा यार, अपना जानने वाला बंदा है, उसी में उसको किडनैप कर लेंगे जिमी। अच्छा तो साकिब भाई लेके किधर जाएंगे उसको? लेके जिमी यार मसले कोई नहीं यार, अपनी सैंडी शोर में वर्कशॉप है ना, वहाँ पे उसको ले जाएंगे यार जिमी। वाह साकिब भाई क्या आइडिया लगाया आपने, मैं तो समझ जाता आपको तो खाली दिमाग है, लेकिन आप तो बड़े काम के आदमी निकले हो साकिब भाई। और तुम अभी मुझे जानते ही किधर हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नए लेटेस्ट एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ यार इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलना। अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मौको भाई को जाओ के बोल दे तुम यार, गाड़ियाँ बिक गई हैं, अच्छे रेट पे निकल गई हैं यार गाड़ियाँ दोनों, मौको भाई खुश हो जाएंगे। मौको भाई, भाव भाई, अच्छा वो उधर खड़े हुए हैं। मौको भाई हाँ हाँ बोल साकिब क्या हुआ, डील हो गई है गाड़ियों की? ओ मौको भाई गाड़ियों की डील ज़बरदस्त हो गई है। चल ये तो ज़बरदस्त हो गया, बता कितने की निकली हैं दोनों? मौको भाई मेरी गाड़ी तो 4:30 की निकल गई है, और मेरान जो है वो 6:30 की निकली है मौको भाई। 6:30 की निकली है मेरान, चल यार फिट हो गया। और ठेकेदार को पैसे पहुंचा दिए तूने? ओ मौको भाई उसको भी मैंने पैसे पहुंचा दिए।
ज़बरदस्त कर दिए तूने यार साकिब काम। अब बस उन पैसों में से यार 40-50 तक अगर मोटरसाइकिल मिल जाए ना तो वो ले लेंगे यार अपने काम के लिए। मोटरसाइकिल मोको भी हाँ यार, मैं यही सोच रहा हूँ CD-70 उठा लें या फिर 125 उठा लें अपने यार, बस ये छोटे मोटे कामों के लिए ज़रूरत पड़ती है ना। कोई गाड़ी भी नहीं है तो एक बाइक तो होनी चाहिए, तीनों इस्तेमाल कर लिया करेंगे बस कुछ टाइम के लिए यार, बाद में गाड़ी ले लेंगे। ओ मोको भाई ठीक है ले लेंगे। और हाँ यार कल साकिब तूने जाना है उधर एयरपोर्ट पर, शिपमेंट मैंने मंगवाई है गाड़ियों की। अच्छा मोको भाई कौन सी गाड़ियों? वो मैं तुझे कल बता दूंगा, तो जिमी को तो साथ ले जाएं और शिपमेंट वो ले आई गाड़ी की। ठीक है ठीक है मोको भाई कोई मसला नहीं। अच्छा मोको भाई अभी मैंने जाना था अपनी वर्कशॉप पर, कुछ मेरा काम था। क्यों खैरियत? मोको भाई बहुत थोड़ा बहुत काम था मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ जिमी को भी साथ ले जाऊँ, तो रात को आ जाएंगे वापस 9 बजे से पहले पहले। अच्छा चल ठीक है ले जा जिमी को भी, कोई मसला नहीं है। ठीक है मोको भाई शुक्रिया, फिर मिलते हैं। ओके यार साकिब चलो यार, अच्छा हो गया जिमी को बताता हूँ ज़रा। जिमी हाँ साकिब भाई बोलो। जिमी यार फिर तैयार हो डेट पे जाने के लिए आज? हाँ साकिब भाई क्या टाइम हो रहा है? कौन जिमी 6:30 तो हो गए, 7 बजे का तुमने टाइम दिया था, अभी चलते हैं और मैं गाड़ी भी ले आया हूँ। अच्छा गाड़ी ले आए हो आप? हाँ गाड़ी में ले आया हूँ, चलो आओ चलते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठाते हैं उधर से। मेरी गर्लफ्रेंड ना बोलो साकिब भाई, अभी वो मेरी दुश्मन है, दुश्मन। ओहो जिमी यार मुझे हंसी आती है तुम पे, पता नहीं क्यों। बस साकिब भाई काम ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये चेक करो जिमी गाड़ी किराए पर लेके आऊँ यार। अच्छा आओ बैठो गाड़ी में चलते हैं। ये काम आपने साकिब भाई ज़बरदस्त कर दिया, वैन ले आए हो आप। हाँ गाड़ी चेक करो ना यार तुम, इस पर आराम से उसको किडनैप कर लेंगे, पीछे बिठा देंगे। हाँ साकिब भाई ज़बरदस्त, अब बदला लूँगा मैं उससे, उस कमीनी लड़की से साकिब भाई, उसने मेरा दिल तोड़ा है साकिब भाई। ओहो मैं समझ सकता हूँ जिमी, समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ जिमी, अभी जो के सारा हिसाब क्लियर कर देंगे। और हाँ साकिब भाई उसको ऐसे नहीं छोड़ना, उसके बाप से पैसे लेंगे। पैसे? हाँ ना साकिब भाई। हाँ ये गुड आइडिया यार जिमी, कितने पैसे लोगे? साकिब भाई उसकी वजह से पापा की गाड़ी चली गई थी ना सेविंग, तो अपने सेविंग के पैसे निकलवाऊंगा उससे। वेरी गुड जिमी वेरी गुड, अच्छा मैं ज़रा यहाँ से पेट्रोल भरवा लूँ कि रास्ते में बंद ही ना हो जाए। चलो यार जिमी पेट्रोल भी भरवा लियो, अभी सीधा चलते हैं उसको पिकअप करते हैं। और हाँ जिमी यार वैसे पैसों वाला सही काम किया, ऐसे तो उसको नहीं छोड़ेंगे, मैं तो सोच रहा था चलो किडनैप करके थोड़ा बहुत उसको डरा देंगे, बस इतना ही बहुत था, लेकिन तुम तो चोर रात आगे ही निकले हो जिमी। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा साकिब भाई उसको सिर्फ डरा के? आपको पता है मैंने शादी की ऑफर की थी उसको, और मैंने फुल इरादा कर लिया था उससे शादी करने का। तो इतना आगे तक तुम पहुंच गए थे? हाँ ना साकिब भाई, मैं बहुत सीरियस हो गया था, और उसने मेरे साथ क्या किया, एक ही टाइम पे वो किसी और के साथ भी बात कर रही थी, उसके साथ भी डेटे मार रही थी, और जब मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों किया तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, कहती है वो तो मेरा कज़न था। इस तरह की भी लड़कियां होती हैं साकिब भाई। और जब इमोशनल ना हो, अभी उससे बदला ले लेंगे ना, सारा हिसाब बराबर करेंगे, टेंशन ना लो। हाँ साकिब भाई ऐसे नहीं जाने देना। सीविंग के पैसे तो मैं उसी से निकलवाऊंगा, ऐसे कैसे छोड़ूंगा उसको। वाह यार क्या बात है जिमी, अच्छा तो यही जगह है ना जिमी, यहाँ पर ही आएगी वो? हाँ साकिब भाई इधर ही आएगी, उसको मैसेज करो ना हम आ गए हैं। हाँ उसको मैसेज करता हूँ मैं भी। आ गए साकिब भाई वो,
अच्छा अच्छा ठीक है, वेट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना, ठीक है? मैं उसको धोखे से गाड़ी में बिठाऊंगा। हाँ ठीक है साकी भाई, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ बस अभी उसको वेट करते हैं, आ जाए बस एक दफ़ा वो। बस अभी आने वाली होगी। आ जाए आ जाए। वो देखो आ रही है, आ रही है। ओह आने दो आने दो आने दो। आ जा मैं तुझे बताता हूँ, जरा आ जरा। जिमी तुम गाड़ी में बैठना चाहो, मैं आता हूँ। हाँ साकी भाई। आ जाए आप गाड़ी में बैठ जाए। आप कौन है? वो मुझे जिमी ने भेजा, जिमी आपको सरप्राइज देगा। आप गाड़ी में बैठे ना, मैं आपको जिमी के पास लेके जाता हूँ। अच्छा अच्छा जिमी ने भेजा आपको? हाँ जिमी ने भेजा। आ जाए आ जाए गाड़ी में बैठे, आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ बैठ जाए बैठ जाए। जमीला कैसी हो तुम? अरे जिमी तुम गाड़ी में बैठे हुए हो? अरे कौन सी गाड़ी में तुम आए और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? घबराओ मत जमीला, तुम्हें सरप्राइज देने जा रहा हूँ। जिमी कौन सा सरप्राइज? तुम्हारे लिए स्पेशल मैंने सिविक ली है जमीला, वो मैं तुमको गिफ्ट करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सब्र रखो तुम। अच्छा वाह जिमी सच में? हाँ जमीला बस थोड़ा सब्र रखो ना, अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद खुद ही पता चल जाएगा। तो इसका मतलब जिमी तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ जमीला मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ओह जिमी थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो जिमी। हाँ अच्छा तो मैं बहुत हूँ, पर पता नहीं लोग मेरे साथ क्यों इतना बुरा करते हैं। चुप करके बैठी रहो जमीला, ज्यादा बक बक मत करो। क्या हो गया जिमी तुम्हें? देखो अगर ज्यादा बकवास की ना तो यही गाड़ी से दिक्कत दे दूंगा मैं तुम्हें। चुप करके बैठी रहो बस, और मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले ही तुमने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। ओह जिमी तुम क्या बोल रहे हो, अचानक तुम कैसे बदल गए? ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ मैं अचानक कैसे बदल गया, जरा सब्र करो तुम। चलो जिमी यार हम तो पहुंच गए हैं, मैं इधर आके गाड़ी रोकता हूँ, जमीला को तुम लेके आओ, हाँ भागने मत देना इसको। हाँ साकी भाई वो आप मुझ पे छोड़ दो। आ जाओ जिमी, जमीला को भी ले आओ। हाँ लेके आ रहा हूँ। चलो आओ अंदर जमीला। जिमी किधर आ गए हम? चलो अंदर आओ, ज्यादा बातें मत करो, आ जाओ अंदर। जमीला अबे यार एक तो इसको पकड़ के लेके आना पड़ेगा, किधर गई ये जमीला? अरे जमीला मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुप करके अंदर आओ वरना यही उड़ा दूंगा तुम्हें। आओ अंदर। अच्छा अच्छा आ रही हूँ आ रही हूँ। आ जाओ। आओगी या नहीं तुम? आ रही हूँ ना जिमी। जिमी ये किधर लेकर आ गए हो तुम मुझे? मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें किडनैप कर ली है और तुम यहाँ पे अब ज्यादा शोर मत बचाना, अच्छा उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। अरे जिमी तुम क्या बोल रहे हो, मुझे डर लग रहा है। मैं जब कह रहा हूँ चुप करके खड़ी रहो, शोर मत मचाओ।
क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे मत मारो जिमी, प्लीज प्लीज। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, जाके उधर सोफे में बैठो। ज्यादा शोर मत मचाओ, जाके सोफे में बैठो चुप करके, नहीं तो इधर ही गोली से ठोंक दूंगा तुम्हें। अच्छा अच्छा जिमी, प्लीज मत मारना मुझे। साकी भाई इसको बोलो जरा। अबे सुन लड़की, चुप करके उधर सोफे में बैठ जा। अच्छा ज्यादा शोर किया ना तो यहाँ से तेरी लाश जाएगी वापिस, समझ आ गया? चुप करके उधर सोफे में बैठ, चल 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 चल। इधर चुप करके बैठी रहे, समझ आ गया? जिमी दराज यार, इसके बाप का नंबर ले इससे। हाँ अभी जैसे हिलना मत, और अपने बाप का मुझे अभी नंबर सेंड करो। अच्छा अच्छा ठीक है, ले लो। हाँ बोलो। 0489826755। जिमी कॉल कर इसके बाप को। हाँ अभी कॉल मिलाता हूँ। हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूँ, तेरी बेटी मेरे पास है। हैं क्या मतलब तुम्हारे पास है? मतलब बाद में बताऊँगा, अगर अपनी बेटी तुझे जिंदा चाहिए ना तो 60 लाख भेज दें। हैं ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देख मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुझे अपनी बेटी जमीला जिंदा चाहिए ना तो अभी के अभी 60 लाख भेज। अरे अरे मेरी बेटी तुम्हारे पास है? अच्छा अच्छा ठीक है, उसको कुछ मत कहना, तुम अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं तुम्हें अभी पैसे भेजता हूँ। हाँ मेरा अकाउंट नंबर ले लें और मुझे अभी के अभी 60 लाख भेज, जैसी ट्रांसफ़र हो जाएंगे ना तो अपनी बेटी को तू लेने आ जाएंगे। अच्छा ये तो बताओ लेने किधर आना है मेरी बेटी को? हाँ तुझे मैं लोकेशन भेज दूंगा, उस लोकेशन पे आ जाएंगी तू। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, अच्छा कुछ मत कहना उसे। हाँ ठीक है पहले पैसे भेज। और जिमी 60 लाख मांग ली तुमने? हाँ साकिब भाई, 52 लाख गाड़ी का और 8 लाख जो मुझे खवारी काटनी पड़ी है उसके लिए। ओ वाह यार जिमी वाह, सही किया सही किया। अबे तू फिर खड़ी हो गई है, बैठ इधर, बैठ सोफे में चुप करके। अच्छा अच्छा बैठती हूँ। अभी जैसे अगर हिली ना तो पहले तेरी टांगों में गोली मारूंगा, फिर तेरे सर पे गोली मारूंगा। अच्छा ना जिमी, अच्छा प्लीज मत मारना। हाँ इधर चुप करके बैठी रहे, बस अब तेरा बाप किसी तरह मुझे पैसे भेज दे और तुझे एहसास हो जाए कि धोखा करने का इंजाम क्या होता है। तूने क्या समझा मैं तुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा जमीला? ये तेरी सोच है, तूने अभी मुझे ठीक से जाना ही किधर था। जिमी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। गलती नहीं की तूने, गुनाह किए, गुनाह दिल तोड़ा है। जिमी अरे यार मेरी बेटी उसके पास है, पता नहीं वो कौन है, कमीना इंसान, जाना पड़ेगा यार उसको लेके आना पड़ेगा, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या क्या कर रहा होगा वो। पैसों की कोई बात नहीं है यार, पैसे आने जाने की चीज़ है, लेकिन मेरी बेटी को किडनैप कर लिया उसने, शिट। पैसे तो मैं उसको अभी भेज ही दूंगा, बस मेरी बेटी को वो कुछ ना कहे। अभी जाके उसको छुड़वा के लाता हूँ, बस वो खैरियत से हो। लोकेशन तो यहीं की सेंड की थी उसने, यहाँ पे तो कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। चलो यहाँ पे वेट करता हूँ और उसको मैसेज कर देता हूँ, बस मेरी बेटी को वो खैरियत से ले आए। साकिब भाई पैसे आ गए हैं साकिब भाई। ओ जिमी सच में कितने बेचे हैं? साकिब भाई पूरे 60 लाख बेचे उसने, मजे हो गए साकिब भाई मजे। अब मेरा हिसाब क्लियर हो गया जमीला के साथ। ओ जिमी वाह यार, प्लान कामयाब हो गया हमारा। जिमी चेक करो पहुंचा कि नहीं। हाँ देख रहा हूँ, हाँ पहुंच गया साकिब भाई, मैसेज किया उसने कि वेट कर रहे हैं। चले साकिब भाई इसको लेके। हाँ चलो चलो। हाँ चलो आज साकिब भाई इसको लेके आओ गाड़ी में। हाँ जिमी तुम चलो, मैं लेके आ रहा हूँ इसे।
चलो जिमी। अब इसको ज़्यादा देर अपने पास रखने का भी फ़ायदा नहीं है, जाके उसके हवाले कर देते हैं, बस अपना हिसाब क्लियर हो गया। साकिब भाई इसी तरफ है ना? और उन्होंने जमीन उल्टा हो रहा, तुम गाड़ी मोड़ो तो गाड़ी मोड़ो यहाँ से। हद है यार साकिब भाई, पहले बताओ ना। वो उधर आगे आगे। अच्छा अच्छा ठीक है। बॉस बॉस जमी 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 यहाँ पर ही रोको, यहाँ पर ही रोको, वो देखो सामने खड़ा हुआ है। हाँ हाँ वो तो आ गया। जमी जमी मेरी बात सुनो, अगर उसने हमें देख लिया ना तो पहचान लेकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हो, ठीक है? उसके सामने नहीं होना हमने, बस दूर से जमीला को भेज देना। हाँ हाँ मैं समझ गया मैं समझ गया। बस इधर आगे आगे गाड़ी ले जाओ। हाँ बस यहाँ, हाँ इधर इधर गाड़ी बस रोक दो और यहाँ पे उतर जाते हैं। हाँ चलो साकिब भाई, चलो जमीला। यहाँ से देखता हूँ किधर है वो। हाँ अच्छा तो वो खड़ा है बुड्ढा साला। साकिब भाई भेजूँ इसको मैं? खड़ा है वो जिमी आगे। हाँ साकिब भाई उधर ही खड़ा मैं भेज दूँ। हाँ भेज दो भेज दो। जमीला मेरी बात सुनो, आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। और हाँ अगर तुमने अपने बाप को बताया ना कि मैंने तुम्हें किडनैप किया था तो जो तुम्हारा कज़न है ना वो जान से चला जाएगा। अच्छा 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 जमी मैं समझ गई, नहीं बताती नहीं बताती, अभी मुझे जानने दो। और आइंदा के बाद मुझे दोबारा तुमने मैसेज नहीं करना, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो, समझ आ गई है तुम्हें? अब जाओ दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। हाँ जा रही हूँ, ठीक है जिमी गुड बाय। हाँ दफा हो जाओ। चलो चलो हम भी चलते हैं अभी जिमी, रुकना ठीक नहीं है यहाँ पे ज़्यादा देर। हाँ साकिब भाई अभी चलो चलते हैं। हाँ तो साकिब भाई जल्दी जल्दी। और जिमी आ रहा हूँ बस। भुगाओ गाड़ी, गाड़ी भुगाओ बस, अरे रोको तो सही। हाँ अभी चलो 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 निकलो 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 जिमी, किसी को कौन कौन खबर नहीं होनी चाहिए यार जिमी, यहाँ पे सब मुझे जानते भी हैं पता ना तुम्हें। और जिमी अब बताओ प्लान कैसा था, मज़ा आया कि नहीं आया? साकिब भाई मज़ा आ गया यार, 60 लाख भी मिल गए और जमीला से भी पतला पूरा हो गया मेरा। वाह जिमी अब बस उसको भूल जाओ, हाँ अब उसका दोबारा जिक्र ना करना। अरे साकिब भाई भाड़ में गई मेरी तरफ से, आज के बाद तो मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। ओह वेरी गुड जिमी वेरी गुड, ये हुई ना बात। बस साकिब भाई अभी इन पैसों में से पापा के लिए गाड़ी लूँगा, वही वाली सेविंग जो पापा कह रहे थे ना। और जिमी माइकल भाई के लिए वो गाड़ी ले लो, खुश हो जाएंगे वो। हाँ ना साकिब भाई बस।